गुड मॉर्निंग सारे बच्चों, आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में एक और टॉपिक के साथ आज मिल रहे हैं आपके साथ। अभी तक हम लोग ने देखा था कि जो फर्स्ट प्रोसेस जो आउटपुट बच रहा था वो 100% हम सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे। आज का टॉपिक है जो आउटपुट होगा उस आउटपुट का दो पार्टीशन करेंगे, एक पार्शियली ट्रांसफर टू वेयर हाउस एंड पार्शियली ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। सर कितना, वो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। और जो वेयर हाउस में जो ट्रांसफर आप कर रहे हो, वो ट्रांसफर करने के बाद अगर आप उसको सेल भी करते हो तो सेल जब भी करेंगे तो कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ कर करेंगे, हाँ या ना? यस सर। आ जाइए स्क्रीन पे। ट्रांसफर टू वेयर हाउस एंड पार्शियली नेक्स्ट प्रोसेस। बेटा जी इसका आप फॉर्मेट पर ध्यान देना, तो यहां फॉर्मेट बेटा दो पार्ट में। जरा फर्स्ट पार्ट तो एज यूजुअल है, लेकिन फर्स्ट पार्ट का जो बेटा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है, आप उसको नाम दे रहे हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो कॉस्ट की वैल्यू निकलेगा एट द रेट ऑफ रुपीज निकाल लोगे आप। चूंकि अभी इसका दो पार्टीशन करना, एक वेयर हाउस में और एक नेक्स्ट प्रोसेस में। वेयर हाउस में जो पोर्शन ट्रांसफर करते हो आप उसको सेल करोगे, तो सेल करोगे तो कहेगा कि कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड कर। तो पहले तो कॉस्ट निकालेंगे तब हम सेल करने की बात होगी, क्लियर है? तो नीचे आप देख रहे हो सेकंड पारा में डेबिट साइड में टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बी बाय डी, क्रेडिट साइड में बाय वेयर हाउस सेल प्राइस पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बेटो बाय नेक्स्ट प्रोसेस यानी प्रोसेस बी, और जो डिफरेंस आएगा डेबिट में उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। दिन आफ्टर इसी तरह हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे बेटा। नेक्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट बेटा एज यूजुअल होगा, जरा देख रहे हो आप सारा चीज। उसका भी जो आउटपुट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे सी बाई डी बी बाई डी, फिर वहां से भी ट्रांसफर करेंगे वेयर हाउस सेल कर देंगे, फिर जो बचेगा उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देंगे, क्लियर है? आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके सामने, जरा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन पे। एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस सर्टेन गुड्स थ्रू थ्री प्रोसेसेस, प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ट्रांसफर, बट गुड्स इन गोडाउन आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। कहता है बेटू जी कि एक मैन्युफैक्चरर है, तीन प्रोसेस से होकर गुजरता है उसकी प्रोडक्ट, प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ट्रांसफर बट इन गोडाउन्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। मतलब जो गोडाउन में गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, सिंपल वेयर हाउस में जो गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो वो गुड्स कॉस्ट में नहीं ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट में 25% प्रॉफिट इंक्लूड कर ट्रांसफर करेंगे, क्लियर है? इन इच प्रोसेस 5% वेट पुट इन इज लॉस्ट एंड 20% इज स्क्रैप व्हिच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी रियलाइजेस रुपीज 20 पर टन सी बेटा अपने टन इंट्रोड्यूस किया, साथ ही आपका वेजेस एक्सपेंसेस नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर किया गया। द प्रोसेस ए से नेक्स्ट प्रोसेस 60% ट्रांसफर किया गया बट गोडाउन में 40%, प्रोसेस बी से 80% ट्रांसफर किया गया कहां नेक्स्ट प्रोसेस से और नेक्स्ट प्रोसेस में और गोडाउन में 20%, और लास्ट प्रोसेस जो बच गया बेटा 100% कहां ट्रांसफर कर दिया गोडाउन, क्लियर है कोई बात? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम लोग चलेंगे बोर्ड पे बेटा। हाँ बच्चों, तो अभी हम जिस क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे पार्टली ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वाले,
और पार्शियली वेयर हाउस या गोडाउन, उसमें फर्स्ट प्रोसेस आपके ना हुआ है, हमने मटेरियल यूज किया 1000 टन जिसकी वैल्यू 10,000, अदर एक्सपेंसेस वेजेज और एक्सपेंसेस दिया हुआ था, हमारा टोटल इनपुट टन 1000 जिसका 5% नॉर्मल लॉस हुआ बेटा, तो लॉस इन वेट 5% 50 नॉट टू बी रियलाइज, सेल ऑफ स्क्रैप 20% 1000 का 200 टन एंड रियलाइज वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 20 per ton 4000, देन द बैलेंसिंग फिगर इज 16,000 फॉर 750 टन एट द रेट ऑफ रुपीज 21.333 अप्रॉक्स, सी बाई डी बी बाई डी आ गया बेटा। अब ये 750 टन का 40% गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया, जिनको हम बेचा गया कॉस्ट में 25% प्रॉफिट इन, तुम्हारा कॉस्ट है 21.33 प्लस 25% का किसका 21.333 का जो वैल्यू आया इनटू 300 कर दो 8000 आ जाएगा अप्रॉक्स। अब यहां प्रॉफिट निकाल लो बेटा, तो जो 21.333 का 25% जो वैल्यू आया उससे मल्टीप्लाई कर दो आप 300 को, तो तुम्हारा प्रॉफिट निकल आएगा 1600, देन 750 का 40% पार्ट यानी बैलेंसिंग फिगर, सॉरी 60% बैलेंसिंग फिगर आपका कहां ट्रांसफर हो गया, प्रोसेस बी में। फटाफट इसको राइट डाउन करें। आइए बच्चों अब नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस बी की ओर चलेंगे। प्रोसेस ए से जो ट्रांसफर किए थे नेक्स्ट प्रोसेस से में 450 टन फॉर 9600, आप इन प्रोसेस बी आपने इंट्रोड्यूस किया मटेरियल 50 टन फॉर रुपीज 50,000 और कुछ खर्च हो, फिर हम उसी तरह से बेटा जैसे आपके फर्स्ट प्रोसेस बनाया गया सेम प्रोसीड्यूर से बना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सी बाई डी बी बाई डी, 20% ट्रांसफर करना था गोडाउन में तो रिमेनिंग जो 80% बच गया ऑटोमेटिकली प्रोसेस में ट्रांसफर हो गया, बाकी कैसे कैलकुलेशंस कैसे करना है आपको प्रीवियस प्रोसेस में बता दी गई थी। फटाफट आप इसको बच्चों राइट डाउन करेंगे। बच्चा लास्ट प्रोसेस की बात हो रही है बेटो, लास्ट प्रोसेस प्रोसेस सी अकाउंट, जैसे आप बना रहे हो वैसे ही बनेगा बेटा। प्रोसेस बी से जो हुआ, प्रोसेस बी से जो ट्रांसफर हुआ सी में, आप पहले लिख लेंगे जो भी इंट्रोड्यूस हुआ, जो भी इनपुट का नॉर्मल लॉस सेल ऑफ स्क्रैप निकाल लो आप, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 100% आपने गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया, तो जो प्रोड्यूस हुआ आउटपुट जो निकला लास्ट प्रोसेस का वो 600 टन 100% कहाँ ट्रांसफर कर दिया आपने, गोडाउन में बेटा, गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया, जिसका सेल प्राइस एज यूजुअल जैसे बताया हुआ है निकाल कर प्रॉफिट डाल दो और इसको क्लोज कर दो, राइट डाउन कर लेंगे बेटा। सीखा प्रोसेस कॉस्टिंग में कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में जो इस प्रोसेस का जो आउटपुट होगा, आउटपुट को दो पार्ट में दो तरह से प्रेजेंटेशन करना है, वन इज वेयर हाउस इट मीन्स गोडाउन एंड अनदर इज नेक्स्ट प्रोसेस, और वेयर हाउस में जो ट्रांसफर करनी है वो सेल प्राइस पर ट्रांसफर करनी है, तो उसकी हम प्रेजेंटेशन कैसे करें। आज के लिए इतना ही बेटा, सभी को गुड नाइट, जय श्री राम, जय भारत।